फाइनली मैंने पहन लिया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर। मैं तैयार हो चुकी हूँ, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, निकलती हूँ। मैं निकल के वहां जाके आप लोगों से आपके सपोर्ट ग्रुप ने तो मरवा दिया था सर। Oh, I'm really sorry about that. कोई बात नहीं सर, अगली बार मत मरवाना। हे गाइस, गुड नाइट। यस, आज का जो ब्लॉग है वो हम लोग रात से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो कि मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है। यस, आज है 21 तारीख सैटरडे एंड कल है राखी। तो राखी की थोड़ी सी तैयारी मैंने की है अपने तरफ से। आप लोगों को तो मैंने पिछले ब्लॉग्स में ही बताया हुआ है कि मेरे भाई के लिए राखी मैंने सेंड कर दिया है, जो कि शायद तक कल पहुँच जाएगा। फिंगर क्रॉस करके ही रखी हूँ। तो मुझे ऐसे मेहंदी सजना धजना पसंद है, तो इसलिए मैंने राखी में अपनी तरफ से मेरी तैयारी मैंने कर ली है। एंड यहाँ पे क्योंकि मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है, तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे डिनर करवा रहे हैं। यस, नॉर्मल रोटी सब्जी ही मैंने बना के फिर उसके बाद जो है मैं अपनी ननद के घर गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, जहाँ मैं जाके योगा प्रैक्टिस करती थी, उसी के घर जाके उसी ने मुझे राखी पहनाई है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो मेहंदी लगा के 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, सूखने लगा था मेहंदी। तो मैंने शक्कर ली हुई है, शक्कर में मैं नींबू निचोड़ के उसका जो जूस है वो मैं अपने मेहंदी में लगाने वाली हूँ। ये एक प्यारा सा ट्रिक है गाइस। ये लगाने से जो हमारा मेहंदी का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। ये मैंने अपने मम्मी के घर से सीखी हुई है, तो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो हस्बैंड को ही मैं लगाने के लिए दे रही थी, क्योंकि हर चीज़ वो मेरा कर दे रहे थे। ये एक मतलब प्रॉफिट है मेरे लिए, मुझे करना नहीं पड़ रहा। एंड मेरी जो मेहंदी है वो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत दिनों बाद मुझे लगाया है, ऑल दो मुझे मेहंदी लगानी आती है। आप लोगों ने अगर ब्लॉग में देखा होगा तो मैंने पलक के हाथों भी मेहंदी लगाई हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों ने मेरी तारीफ़ की है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है, तो उसी हिसाब से मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा मेरे हाथों में मेहंदी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने भी राखी अपने भाइयों के साथ सेलिब्रेट किया कि नहीं, भाइयों को राखी बांधा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपने भाई को राखी बांध नहीं पाई, होपफुली नेक्स्ट ईयर से शायद तक बांध पाऊंगी, क्योंकि हम लोग कैलकटा शिफ्ट हो रहे हैं एज़ यू ऑल नो। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, हर चीज़ में ब्लॉग में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को टोटल ब्लॉग देख के मज़ा आ पाए। तो यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ शक्कर एंड नींबू का रस अपने हाथों में, ताकि इसका कलर और ज़्यादा निखर के आए। वैसे भी मैं बहुत दिनों बाद मेहंदी लगा रही हूँ। तो चलिए, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को मॉर्निंग में रेडी होने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है मेरा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ माय ब्रदर्स हु आर वाचिंग माय ब्लॉग्स। तो होपफुली आप लोगों ने अपने बहनें से राखी पहन ली होगी। तो मैं ना चूड़ा पहन रही हूँ, जो कि मैंने सैटरडे को राजवाड़ा से ली थी, जो कि मैंने ब्लॉग शेयर नहीं किया, बट हम लोग गए थे एंड मेरा मूड उतना ठीक नहीं था, तो मैंने उतना ब्लॉगिंग नहीं किया, बट मैं सब लेके आई थी। उसका हॉल मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में ही शेयर कर दिया होगा, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ब्लॉग जाके देख सकते हो। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रही थी, इतने ज़्यादा चूड़ा की चूड़ियाँ थी ना मेरे हाथों में पूरा भर जा रही थी, क्योंकि मैं साका पौला भी पहनती हूँ, जो कि मैं नहीं निकाल सकती, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो मैंने चूड़ा को थोड़ा सा छोटा करके पहन लिया, होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी अभी। ये फिर भी ठीक लग रही है ना,
ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है ना। फाइनली मैंने पहन लिया है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ड्रेस मैंने पहन लिया है, ड्रेस एंड चूड़ा जो है मैं कल राजवाड़ा से शॉप करके लाई थी। तो अब बारी आती है मेकअप की, थोड़ी सी तैयार ना हो तो कैसा चलेगा गाइस। तो सबसे पहले जो है मैं NYV का प्राइमर लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा झटपट ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंदी। एंड आज के मेकअप में मैं मेरा जो नया वाला प्रोडक्ट है मालियो का BB क्रीम वो यूज़ करने वाली हूँ, उसका रिव्यू मैं कभी और आप लोगों को दे दूँगी। बट आज के ब्लॉग में लेंदी ना करते हुए थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं बात करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी। तो इसका शेड जो है मुझे परफेक्टली आ गया था एंड मैंने लिया था 03 शेड नंबर, जो कि मेरे स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड था। थोड़ा सा वाइटी मुझे लग रहा था बट ये जब मैंने ब्लेंड किया ये इजीली ब्लेंड हो गया मेरे स्किन के साथ, ये अच्छे से मिक्सडअप हो चुका है। तो मैं इसे अपने अंडर आई एरिया, अपने माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, नेक में, थोड़ा सा फोरहेड में अच्छे से अप्लाई करके इसको ब्यूटी ब्लेंडर से, स्पॉन्ज ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से जो है ब्लेंड आउट कर लूँगी। फ्रिज एंड ऑल के बारे में बात मैं फिर कभी करूँगी। एंड कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का कंसीलर, जो कि हाई पॉइंट में ही बस लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो इसको भी मैं जो है ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से स्प्रेड आउट करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं आता है, जितना भी आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, होप आप लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। तो पूरे फेस को मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैंने अच्छे से ब्लेंड किया कि नहीं। देन उसके बाद जो है मैं अपना फेस को सेट कर लूँगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट, उसको मैं अच्छे से ब्रश की मदद से अच्छे से अपने आई एरिया, फेस, नेक एंड पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि ये इजीली अच्छे से सेट हो जाए एंड क्रीस ना करे एंड पसीना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आईब्रो, आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का ये ट्यूब, सॉरी जो बोतल आता है ना उसका, उसमें से मैं ब्राउन शेड यूज़ करके अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। दोनों आईब्रो को मैंने ब्राउन शेड लिया हुआ है एंड ये आईब्रो जेल की मदद से ही दोनों आईब्रो को सेट कर लूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक भी देता है। देन उसके बाद जो है ब्लू हेवन का सिमर ब्रिक था मेरे पास, तो उसको मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ कर लूँगी एंड एक्सेस प्रोडक्ट को जो है मैं डस्ट आउट कर लूँगी, एज अ ब्लश एंड हाईलाइटर यूज़ करूँगी, क्योंकि डे मेकअप लुक है तो बहुत ज़्यादा ना लगे, तो इसलिए सटल सा हाईलाइटर प्लस ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही न्यूट्रल शेड है। तो उसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। देन उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो के लिए, जस्ट एक ही कलर जो है मैं लेके पूरे आईलिड में स्प्रेड आउट कर लूँगी एंड ये एक न्यूट्रल सा कलर है जाकि ताकि बहुत ज़्यादा ना लगे, एक लाइट ब्राउन सा शेड है, तो उसको मैं जो है पूरे आईलिड में अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से। देन उसके बाद एक हाईलाइटर शेड लेके मैं इनर कॉलर में अपने फिंगर टिप की मदद से ही अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद जो है मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, सिंपली एक बहुत सा थिन आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों ही, जिसके आप लोग देख पा रहे हो। तो दोनों आईज़ में मैंने अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद फेसिस कैनेडा आई मैग्नेटिक आई काजल की मदद से अपने आई लिड में, सॉरी वाटर लाइन में अच्छे से काजल अप्लाई कर लूँगी। देन उसके बाद ब्लू हेवन का लास्ट ट्विस्ट मस्कारा के हेल्प से अपने मस्कारा को अच्छे से कोट कर लूँगी बहुत ही हल्के हाथों ही। बहुत ज़्यादा मस्कारा यूज़ करना मुझे नहीं आता है बट जितना भी है मैंने लगा लिया है अपने दोनों आईज लैशेस में एंड मैंने इसे लोअर लैशेस में भी अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। देन उसके बाद जो ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया था आईलिड में, उसको मैं वाटर लाइन के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा फ्रेश लुक के लिए। देन उसके बाद जो है मैंने बिंदी अप्लाई कर लिया जिसके आप लोग देख पा रहे हो। देन फाइनली जो मैं है लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का इंस्टेंट लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक, जिसका शेड आई होप आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को कलर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो मैं ओवरऑल लुक जो है वहाँ जाके शेयर करती हूँ, एंड छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, होप आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो अभी जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है एंड मैं इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी तैयार होने के बाद ऐसा ही हाल हो जाता है सबके घरों में, आपके घरों में भी होता होगा, होता होगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, निकलती हूँ मैं, निकल के वहाँ जाके आप लोगों से मिलती हूँ। यार मेकअप करना सीख गई, बांधना नहीं सीखी। हाँ हो गया, तू खड़ा ही रहेगा तो कि स्टैचू है तक भी हर साल भूल जाती है। रोक तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं सिस्टर इन लॉ के घर में, जो कि राखी बांध रही है अपने भाइयों को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यही है जो मेरी वन एंड ओनली सिस्टर इन लॉ है, जो मेरे हस्बैंड को सबके भाइयों के साथ राखी बांधती है, और मेरे हस्बैंड को कोई भी नहीं बांधता है। खुद के बहनें जो हैं चाचा के लड़कियाँ, वो तो गाँव में हैं, तो हम लोग गाँव में हर साल तो जा नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से जो है बांध नहीं पाते हैं वो लोग। तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती, बिकॉज मेरा लव मैरिज है, तो पापा मम्मी भाई को अलाउ नहीं करते हैं मेरे घर आने के लिए, एंड ऊपर से मैं इतनी दूर रहती हूँ तो वो आएगा भी कैसे। तो बहुत हंसी मजाक हो रही है एंड बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉइस ओवर एंड साथ ही साथ थोड़ा सा म्यूज़िक दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है ब्लॉग को एंजॉय कर सको एंड मेरे जो चाची, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मामी जी का बक बक ना सुन सको, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ बाबू को भी उसकी जो बुआ है वो राखी बांध रही है, हमारे में बुआ भी राखी बांधती है, दादी भी राखी बांधती है, जो बाबू पहले राखी बांध के रखा है वो मेरी सास ने बाबू को बांधा हुआ है, बिकॉज दादियाँ भी बांधती है, साथ ही साथ बुआ लोग भी बांधती है, बहनें तो बांधती ही है। तो चलिए थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ आप लोग राखी की सेरेमनी को एंजॉय कीजिए। और एक बात गाइज, मैं सच में मेरे भाई को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, भगवान जाने कब मौका आएगा जब मैं अपने भाई को फिर से अपने हाथों से राखी बांध पाऊँ। होपफुली भगवान चाहे तो कर सकते हैं, पता नहीं कब करेंगे। होपफुली प्लीज़ गाइज विश जरूर कीजिएगा कि मेरा जो ख्वाहिशी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पे जो है सेरेमनी चल रही है, तो चलिए म्यूजिक के साथ हम सब साथ में एंजॉय करते हैं। बाबू एदिके ताका, एदिके ताका, ধর ওটা চকলেটটা ধর, এদিকে তাকা, এদিকে তাকা, দাদা আসমত শর্মা যায়গা Thank you.
सीधा करो उसको। अरे ठीक है, नेम प्लेट में चाहिए। नेम प्लेट है ना हमारा। को तो खाते हो बाबू तू? हां सर दीदा। चलो बिता खाए हाले मिठाई। अरे हां पहले उसका पैर मत तो पैर में मत ले जा उसको। वाह तू ले जा उसका पैंट मुझे दे। अनुष के दिखे तक अच्छा वाला किला बड़ा खड़ा हो गया से ताकतवर है क्यों राजू आवाज नहीं आ रहा? ये सब बातों में लग रहा है। अरे क्या सही है? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों राजू आवाज तो क्या? ये लग रहा ना काली चरण। हाँ लगा। राजू आवाज नहीं है। अंदर जा। आजा। क्या जबरदस्ती पहना रही है क्या? लामे बांधे थे। इधर 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 पिलाएगा। क्यों राजू आवाज आ अबे बांध दे की टुलू को राजू डावर को क्वार्टर के दिए की नहीं क्वार्टर के दिए आधा का टेरिकॉट रूम वाला तो अपन के आगे भैया बच्चे ना तो राखी बांधने को क्या टेरिकॉट रूम वाला कौन था घोड़े चलेगा घोड़े बुला रहा हो तुम खाना नहीं खाओगे हां मैडम बुला घोड़े अरे बोल लगा देंगे मामा ओ की करबे तू मां की खबर बोल ओए हां देखी सोन में तु মানুষ এখানে আছে ওদিকে আমার নাকে ঢুকিয়ে দেবে আগরবাতি ওরে বাবা এবার ফটো তুলবো দা 1 2 3 और मार मत तो देखते हाँ थोड़ा सा और इतने दीदी का सुबह का एडवांस तो दिया ही नहीं टुलू का डीओ का चेन देगा ना डीओ चेन देगा ना अरे टुलू को डीओ लेकर दिया आनंदराम उनका फोटो खींच खाते हुए अच्छा बस आता की पता नहीं आने का अरे वो गांडा मन खा के पहले ना सर दे दे रखो किस वाला मजा आ गया तेरे ने देख के।
यहाँ हमारा सबका खाना हो चुका था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है ड्रेस भी चेंज कर लिया था, मैं और बाबू ही थे। और ये है मेरे अंकल जी, मतलब सिस्टर इन लॉ टूलू के पापा जी बैठे हैं। तो सब टीवी भी देख रहे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। चाची मेरे पास में बैठी हुई है एंड बाबू जो है गिटार देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये है बाबू के बड़े वाले चाचा का गिटार, मतलब टूलू के बड़े वाले भाई का गिटार है। तो उसको देख के बाबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसको उसके साथ खेलने के लिए। तो यहीं ऐसा ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया हमारा राखी का त्यौहार। आप लोगों ने कैसा किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने भी अपने भाइयों को राखी पहनाए कि नहीं, या मेरे जैसे पहना नहीं पाए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप लोग कितने भाई बहन हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बाबू को थोड़ा सा गिटार के साथ खेलने देते हैं, देन उसके बाद हम लोग घर जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि शाम को हमारा थोड़ा सा छोटा सा प्लान है। क्या है नहीं है वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। তো বলছে যে আরে না ওটা ঝুমা দাদির বাড়ি আছে, ঝুমা দাদির বাড়ি আমার নাম নেই, বলছে এটা ঝুমা দাদির বাড়ি আছে। मूवी देख के आके हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे। ये स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा है गाइस, कोई भी डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा नहीं है। एंड इसका टेस्ट बहुत ही धमाकेदार था, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो हमें जस्ट एक ही पिज़्ज़ा मिली, जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खाया। तो ऐसा ही बीता हमारा आज का राखी का ब्लॉग दिन। होप आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा। तो चलिए मैं घर जाके आप लोगों से मिलती हूँ एंड थोड़ी सी बातें करके ब्लॉग को करेंगे हम लोग आज का एंड। हे गाइस, तो हम लोग जो है मूवी देख के रिटर्न आ चुके हैं। मूवी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद रिव्यू देती हूँ। अभी जो है सबसे पहले रात हो चुकी है, 11:30 बज चुके हैं एंड मैंने पिज़्ज़ा भी खाया जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ये चूड़ियाँ हैं, सॉरी थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो चलिए मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ, देन मैं आप लोगों को जो है आराम से आज के दिन के बारे में थोड़ी सी बातें करूँगी, कैसा लगा नहीं लगा, कैसा बीता नहीं बीता, सब कुछ होगा आज के ब्लॉग में। होप आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगेगा एंड थोड़ी सी मेरी दिल की बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो देखते रहिए ब्लॉग को एंड तक, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। खुल नहीं रहा।